पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान के बीच हिंसा की घटनाएं भी बढ़ चुकी हैं। कहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पर बम से हमला हुआ, नंदीग्राम में ममता दीदी का नया घर कैसा है, पार्टी के कार्यकर्ता ने ही क्यों जला दिया टीएमसी का दफ्तर, बंगाल चुनाव से जुड़ी हर खबर देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान के बीच हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। दक्षिण 24 परगना के रामपुर गांव में हुए ब्लास्ट में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उस वक्त हमला किया गया जब वो देर रात शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। घायलों में 4 की हालत बेहद गंभीर है, उन्हें कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी का टिकट न मिलने से नाराज अरबुल इस्लाम और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। अरबुल इस्लाम के समर्थकों ने टायर जलाकर सड़कों पर लोगों की आवाजाही रोक दी और टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में उपद्रवियों ने एक फैक्ट्री में आग लगा दी और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री के मालिक का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते बीजेपी समर्थकों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। ममता बनर्जी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। टिकट बंटवारे में उनकी चुनावी रणनीति की खास झलक मिलती है। इसमें मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या घटाकर 35 कर दी गई है, जबकि पिछले साल ये संख्या 57 थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 51 महिलाओं को चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं 27% यानी 79 प्रत्याशी अनुसूचित जनजाति के हैं। ममता ने 141 सामान्य उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो कुल प्रत्याशियों का करीब 48% है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करते हुए केवल 1 सीट नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने नंदीग्राम में रहने के लिए किराए का घर भी खोज लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा चैलेंज दिया है। शुभेंदु ने कहा कि 2 मई को ममता चुनाव हारेंगी और फिर भागेंगी, क्योंकि नंदीग्राम में मिदनापुर का बेटा ही जीतेगा, बाहरी नहीं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के सहयोगी पीरजादा की पार्टी ISF आज अपने चुनाव चिन्ह का ऐलान करने वाली है। फुरफुरा शरीफ में ISF का 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसमें करीब 1 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।